हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज, एंड इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने मेंशनड है, दैट इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो ये लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 20 में मैंने आपको स्ट्रक्चर का बेसिक बताया था, कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे कि हम स्ट्रक्चर को अगर प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करें तो कैसे होगा। तो मैंने आपको स्टूडेंट बुक स्ट्रक्चर के एग्जांपल बताए थे और दो पर्सन की हाइट को ऐड करके बताया था, और टाइप डेफ कीवर्ड एंड यूनियन और स्ट्रक्चर का डिफरेंस हमने देखा था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का जो लिंक है या इस पूरी जो वीडियो सीरीज है उसका जो प्लेलिस्ट लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको जो अभी आप करंट वीडियो देख रहे हैं वो प्रॉपरली समझ में आएगा, और अगर आप स्ट्रक्चर से ऑलरेडी फैमिलियर हैं तो आप इसको डायरेक्टली गो थ्रू कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो देखने के बाद या पिछले वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स हैं, आप मुझसे बिना हेजिटेशन के डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो बिगिनर्स को जब कोई भी चीज़ हम पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत सारे डाउट्स मन में आ जाते हैं, तो वो डिस्कस करने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है तो वो मैं अवेलेबल हूँ, तो आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल और उस वेरिएबल को एरे में कन्वर्ट करने में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सो तो हम अभी एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे वो बुक पर डिपेंडेंट होगा, तो एक बार के लिए हम अपनी प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है रीड इंफॉर्मेशन ऑफ 5 बुक्स एंड प्रिंट नेम ऑफ बुक हूज प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो इट मीन्स हमें दो इन्फॉर्मेशन तो बुक की रीड करवानी है, पहला हुआ बुक का नेम और दूसरा हुआ उसका प्राइस। इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप रीड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपको इन्फॉर्मेशन रीड करने के बाद उन बुक्स के नेम्स प्रिंट कराने हैं जिनकी प्राइस 1000 से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपके पास बल्क डेटा अवेलेबल है और उसमें से आपको डेटा फिल्टर करना है तो उस केस में हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और स्ट्रक्चर एरे क्यों बनाया, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, अब उसके बाद हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर नेम होगा बुक। तो अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक बुक की इंफॉर्मेशन रीड करनी है तो भी स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन सेम होगा, और अगर आपको एक से ज्यादा बुक की इंफॉर्मेशन रीड करनी है तो भी स्ट्रक्चर सेम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ एक वेरिएबल बुक नंबर, देन नेम रीड करना है तो आपको एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा, और इसको आप स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। इसका साइज मैंने लिखा 10 एंड फ्लोट प्राइस, ठीक है, एंड देन मैंने पुट कर दिया सेमीकोलन। अब मेन फंक्शन में मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि अगर एक वेरिएबल बनाएंगे तो क्या होगा और एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने लिखा स्ट्रक्ट बुक बी, तो ये हमने एक वेरिएबल बनाया। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ डायग्राम पर, ये देखिए। तो अभी हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्ट्रक्ट बुक बी। तो स्ट्रक्ट बुक बी का मतलब क्या हुआ कि हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रक्चर टाइप का। तो डेटा टाइप कौन है, स्ट्रक्ट बुक। तो आप देख सकते हो स्ट्रक्ट बुक हमने यहाँ पर एक डेटा टाइप क्रिएट किया, उसके तीन मेंबर्स हैं, बुक नेम, बुक नंबर, नेम एंड प्राइस। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये बुक नंबर, ये नेम और ये प्राइस, तीनों मेंबर्स को सेपरेट मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट हो गए। ठीक है, अगर आप 16 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो इंटीजर को 2 बाइट मिलेगा, अगर आप 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो 4 बाइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप मेमोरी का जो साइज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने 2 बाइट लिखा है एज पर 16 बिट कंपाइलर, तो 2 बाइट फॉर इंटीजर, 10 बाइट फॉर नेम एंड 4 बाइट फॉर प्राइस, क्योंकि प्राइस फ्लोट है तो फ्लोट को हमेशा 4 बाइट मिलता है। कैरेक्टर को 1 बाइट मिलता है, बट हमने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, कैरेक्टर एरे। ठीक है, हमने क्या डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर एरे, और उसका साइज है 10। तो इसका मतलब एक कैरेक्टर को 1 बाइट, तो 10 कैरेक्टर्स को 10 बाइट्स। तो इस तरीके से जो बी वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर्ड है उसको टोटल मेमोरी कितनी मिली, 16 बाइट्स फॉर 16 बिट कंपाइलर। अगर ये 32 बिट कंपाइलर होगा
तो आपको टोटल मेमोरी कितनी मिलेगी, 18 बाइट्स, ठीक है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए। और वो किस पे डिपेंडेंट है, इन मेंबर्स पर। अगर आपने मेंबर इंक्रीज कर दिया तो साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि एक मेंबर इंक्रीज करते ही एक और मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बनाना है, तो वो इसलिए बनाना है, लेट सपोज आपको 5 बुक की इंफॉर्मेशन रीड करनी है तो आपको कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 5, इस तरीके से। फिर पांचों को अलग अलग मैनेज करना पड़ेगा। तो जिन्होंने मेरा एरे वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली एरे क्यों बनाते हैं, ताकि हमें वेरिएबल्स बार बार डिक्लेयर ना करने पड़े और हम एक ही वेरिएबल के थ्रू एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर पाए। तो अब देखो यहाँ पर B1, B2, B3, B4, B5 सबका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट बुक। तो आप 5 वेरिएबल ना बनाकर क्या कर सकते हो, एक ही वेरिएबल बना दो जिसका साइज क्या लिख दो, 5, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं 3 लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो डायग्राम क्रिएट किया है वो 3 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इतना स्पेस अवेलेबल ही था। तो 3, 5 कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपको 3 साइज का एरे जो स्ट्रक्चर के लिए हमने बनाया वो समझ में आ गया था, 5, 50 कितने भी साइज को इजीली समझ सकते हो। तो अब देखो स्ट्रक्ट बुक क्या है, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम है बी, बट अभी ये जो वेरिएबल है इसको आप क्या बोलेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है एरे ऑफ स्ट्रक्चर जिसका साइज है 3, तो टोटल 3 ब्लॉक्स बनेंगे। तो अभी यहाँ पर एक ब्लॉक था, एक ब्लॉक के 3 मेंबर थे, बट अब देखो ये फर्स्ट ब्लॉक जिसके 3 मेंबर है, और इस पूरे ब्लॉक का इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 0। फिर ये दूसरा ब्लॉक, इसका इंडेक्स नंबर 1, ये तीसरा ब्लॉक और इसका इंडेक्स नंबर 2। तो जैसे कि आप एरे से ऑलरेडी फैमिलियर है तो आपको मालूम ही है कि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, देन 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अभी साइज 3 था इसलिए 0, 1, 2। तो अब आपको पहली बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है तो आपको ये वाला पार्ट प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये पार्ट प्रोसेस करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरी मेमोरी का नाम क्या है, बी। तो आप सबसे पहले बी लिखोगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 0, ये हमें 0 इंडेक्स पे पहुंचना है। अब 0 इंडेक्स पर भी 3 पार्ट है, तो आप क्या करोगे, डॉट लगाकर या तो बुक नंबर लिखोगे या नेम लिखोगे या फिर प्राइस, क्योंकि स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम डॉट के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। तो अब आपको मेमोरी एलोकेशन समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर का एरे बनाने से फायदा क्या हुआ, कि एक ही वेरिएबल के थ्रू हम मल्टीपल बुक्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करा। तो अब इसको कर देते हैं 5, कि हम 5 बुक्स की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, एक वेरिएबल यूज करेंगे आई, देन मैंने लिखा प्रिंट एफ / एन एंटर बुक नंबर नेम एंड प्राइस ऑफ 5 बुक्स। तो इससे यूजर को पता चल जाएगा कि उसको 5 बुक्स के नेम नंबर और प्राइस एंटर करनी है। अब आप चलाओगे फॉर लूप, ये एरे यूज करने का एक और बेनिफिट, क्योंकि एरे यूज करने से आपको जो प्रिंट एफ स्कैन एफ है वो बार बार नहीं लिखने पड़ते, आप सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, फॉर लूप। तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्कैन एफ स्टेटमेंट है वो रिपीट हो जाएगा। तो ऐसा मैंने आपको एरे में भी बताया था। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको एरे और स्ट्रक्चर का बेसिक नहीं मालूम है तो पहले वो वाला वीडियो जरूर से देखें, ताकि आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे और आपको एरे और स्ट्रक्चर के बेसिक्स नहीं पता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अब हम लिखते हैं स्कैनएफ % अब देखो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले एरे का नाम दैट इज बी, फिर हमें इंडेक्स नंबर बताना है और फिर हमें मेंबर का नाम। तो अब आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी, तो ये क्या बनेगा, बी ऑफ 0 डॉट बुक नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी एरे हमने एक्सेस किया, उसके बाद 0 इंडेक्स पर गए और फिर ये वाला जो बुक नंबर है उसको हमने प्रोसेस कर दिया। देन नेम रीड करना है तो आप लिखोगे गेट इज बी ऑफ आई डॉट नेम एंड प्राइस के लिए % ampersand bofi.price। तो इस तरीके से हमने 5 बुक्स की इंफॉर्मेशन को रीड करवा लिया, ठीक है। अब हमें उन बुक्स के नेम प्रिंट कराने जिनकी प्राइस 1000 या उससे ज्यादा है। तो हम बुक का नंबर भी प्रिंट करा देते हैं और नेम भी प्रिंट करा देते हैं, और आप चाहो तो तीनों चीजें, बुक नंबर, नेम और प्राइस, तीनों को ही प्रिंट करा सकते हैं।
तो एक प्रिंट एफ लिखते हैं सबसे पहले, डिटेल्स ऑफ बुक्स हुज प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000। ये मैसेज सबसे पहले प्रिंट होगा, फिर फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लूप फिर से 5 टाइम रिपीट होगा, और इस फॉर लूप के अंदर अब आपको इफ कंडीशन लगाना है। तो इफ के अंदर क्या चेक करोगे, बी ऑफ आई डॉट प्राइस, मतलब हर इंडेक्स का प्राइस चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 है या नहीं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इंडेक्स पर जो बुक की इंफॉर्मेशन है उसका प्राइस चेक होगा। अगर वो 1000 या उससे ज्यादा है तो आपको उस आई इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स का ही बुक नंबर, नेम और प्राइस तीनों को प्रिंट कराना है। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई जब प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसके बाद 1 इंडेक्स का जो प्राइस है वो चेक होगा। तो इस तरीके से आप हर इंडेक्स पर जो प्राइस है वो चेक कर पाएंगे। अब इनको प्रिंट करा देते हैं, बुक नंबर परसेंट डी बी ऑफ आई डॉट बुक नंबर, ठीक है। नेम प्रिंट कराना है तो बुक नेम इक्वल्स टू परसेंट एस बी ऑफ आई डॉट नेम, एंड प्राइस प्रिंट कराना है तो आप लिखोगे बुक प्राइस इक्वल्स टू परसेंट एफ। अब इसको परसेंट 0.2F कर देते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट सी प्रिंट कराने हैं, तो हमने लिखा बी ऑफ आई डॉट प्राइस। तो ये अपना प्रोग्राम अब कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने दो तरह की चीजें यहाँ पे यूज किया, हमने स्ट्रक्चर भी यूज किया है और एरे भी यूज किया। स्ट्रक्चर क्यों यूज किया, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप करना था, और हमने उस डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर बनाया उसका फिर फर्दर क्या बना दिया, एरे, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स का ग्रुप बनाने के बाद हमें उसी टाइप के बहुत सारी बुक्स की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना था, तो इसलिए हमने उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको अगर अपन एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखो 5 बुक्स की इंफॉर्मेशन आपको एंटर करानी है। तो अब हो सकता है कि इसमें जब हम नंबर के बाद स्ट्रिंग को रीड करें तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था और इस वीडियो में भी बता दूंगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो देन 1000, तो ये पहली बुक की इंफॉर्मेशन हमने एंटर की, फिर 102, सी प्लस प्लस इसकी इंफॉर्मेशन में मैं डाल, इसकी प्राइस है 2000, फिर मैंने दिया 103 जावा। अब देखो ये प्रॉपरली रीड नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि इंटीजर के बाद ये कैरेक्टर्स को प्रॉपरली रीड नहीं कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उनको मैंने बताया था कि जब हम नंबर, जैसे मैंने बुक नंबर टाइप किया तो बुक नंबर टाइप करने के जस्ट बाद मैं एंटर की भी प्रेस कर रहा हूँ, तो बेसिकली गेटेस क्या कर रहा है, उस एंटर की को रीड कर रहा है नेम की जगह, और जो नेम टाइप कर रहे हैं वो कौन रीड कर रहा है, प्राइस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पररी स्टेटमेंट यहाँ लिखना पड़ेगा, गेट कैर, इसको हम बोल सकते हैं एक जुगाड़। तो हमने यहाँ पर एक टेम्पररी स्टेटमेंट लिखा, वो क्या करेगा, नंबर के बाद जो एंटर की प्रेस करोगे वो उसको रीड कर लेगा, ताकि जब आप नेम टाइप करोगे तो वो गेटेस के थ्रू प्रॉपरली रीड हो जाए, ठीक है। तो अब एक बार ट्राई करते हैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करके। तो बुक नंबर 101, बुक नेम सी, प्राइस 1000, 102 सीपीपी, प्राइस 500, 103 जावा, प्राइस 2000, 104 पाइथन, प्राइस 300, 105 SFDC Salesforce.com एंड इसकी प्राइस 5000। तो ये मैंने 5 बुक्स की इंफॉर्मेशन डाल दी, ठीक है। अब देखो सी की जो प्राइस है वो 1000 है, जावा की 2000 एंड SFDC की 5000, तो ये 3 डिटेल प्रिंट होनी चाहिए। तो अब देखो सी की डिटेल प्रिंट हो गई, जावा की डिटेल प्रिंट हो गई, और SFDC, तो उन्हीं बुक्स की डिटेल प्रिंट हो रही है जिनके प्राइस, जिन बुक्स की प्राइस 1000 या उससे ज्यादा है, बाकी अपने आप स्किप हो गए। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे ग्रुप करते हैं, एंड फर्दर स्ट्रक्चर का एरे बनाकर उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको मेमोरी मैप भी बता दिया, तो
तो अब आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होगा हमेशा जब भी आप स्ट्रक्चर का एक सिंगल वेरिएबल बनाएंगे तो क्या होगा, और जब एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको पहला प्रोग्राम और उसकी जितनी भी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई वो प्रॉपरली समझ में आई। अब अगला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि है रीड इन्फॉर्मेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड फाइंड हूज मार्क्स इज मैक्सिमम। तो अब इसमें देखो ये भी हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट हो जिसके मार्क्स मैक्सिमम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टूडेंट हो जिनके मार्क्स इक्वल हैं और मैक्सिमम भी है। तो हमें दो लूप चलाने पड़ेंगे। पहला लूप क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू क्या है, फिर मैक्सिमम निकालने के बाद चेक करेंगे कि वो मैक्सिमम मार्क्स किस किस को मिले। ठीक है, तो आप चाहें तो मेरे साथ साथ ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पूरी वीडियो सीरीज जब आप देखें तो लैपटॉप या डेस्कटॉप को साथ के साथ यूज करते जाएं, ठीक है, ताकि आप जो प्रोग्राम्स मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उसको खुद से भी इम्प्लीमेंट करके देखें, या फिर आप पूरा वीडियो देखने के बाद बिना देखे इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। बट प्रैक्टिकल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया और सिर्फ वीडियो देख लिया तो आपको चीज़ें तो समझ में आ जाएंगी बट एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि हाँ मैं भी ये प्रोग्राम खुद से लिख सकता हूँ। तो आपने देखा होगा कि पूरी वीडियो सीरीज में हम थ्योरी प्रैक्टिकल एक साथ डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो सीरीज मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो कि बिल्कुल बिगिनर है और जिनको प्रोग्रामिंग से डर लगता है, तो उस डर को रिमूव करने के लिए ही हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये मेरी डिटेल्स हैं, तो आप मुझसे डिस्कशन भी कर सकते हो। तो अब अपन बनाते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ ले लिया रोल नंबर, नेम, और यहाँ पे लिया मार्क्स। ठीक है, अब देखो कितनी इजीली, अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया तो आप दूसरा प्रोग्राम उसी को मॉडिफाई करके इजीली बना सकते हो, तो आपको बार बार टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो ये हमने चेंजेस किए। तो एंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट लूप 5 बार चलेगा, फिर स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स को रीड किया। ये जो टेम्परेरी स्टेटमेंट था वो एज इट इज रहेगा ताकि हम रीड प्रॉपरली कर पाए वैल्यूज को। अब यहाँ प्रिंटिंग से पहले हमें एक लूप और चलाना है जो कि मैक्सिमम आइडेंटिफाई करेगा। तो अब मैक्सिमम निकालने के लिए आपको एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, मैक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली में मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू निकलने के बाद आप क्या करोगे, उससे हर स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो कंपेयर करा लो, जिस जिसके मार्क्स मैच करते हैं वो डिटेल प्रिंट हो जाएंगी, बाकी नहीं। तो फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब यहां पर चेक करेंगे इफ एस ऑफ आई डॉट मार्क्स ग्रेटर देन मैक्स। ठीक है, अगर आई इंडेक्स पर जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स मैक्स से ज्यादा है, ठीक है, तो मैक्स में वो वाले मार्क्स असाइन करवा दो। ठीक है, तो मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे ही ये मार्क्स ग्रेटर आते हैं। फिर अगले स्टूडेंट के मार्क्स चेक होंगे, तो अगले स्टूडेंट के मार्क्स जो पिछला मैक्स था उससे कंपेयर होंगे तो नया मैक्स निकल के आ जाएगा। तो फाइनली जब ये लूप खत्म होगा तो मैक्स के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है पूरे मार्क्स के अंदर वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने मैक्सिमम निकाला। अब हमें डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स whose marks are maximum, ठीक है, ये प्रिंट कराना है। तो अब यहां लिखेंगे s of i dot marks double equals to max। तो जिनके भी मार्क्स मैक्स के इक्वल हैं वो डिटेल हमें प्रिंट करानी है। तो यहां लिख दो इधर रोल नंबर ही लिख देते हैं, रोल नंबर, नेम। ठीक है, ये हो गया पर्सन डी एस ओ फाई डॉट रोल नंबर, देन नेम एंड देन मार्क्स। तो ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट हुआ जो कि उन स्टूडेंट्स की डिटेल प्रिंट करेगा जिनके मार्क्स मैक्सिमम है। तो इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं।
तो अगेन हमें 5 स्टूडेंट्स की डिटेल एंटर करानी पड़ेगी और मैक्सिमम निकल के आएगा। तो मैं इसको 2 बार रन करूंगा, एक बार मैं हर स्टूडेंट के मार्क्स को यूनिकली एंटर करूंगा जिससे एक ही स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट हो जो कि मैक्सिमम है, फिर मैं 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम रखूंगा और वो मैक्सिमम भी होंगे तो वो 2 स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट करा देगा। तो रोल नंबर 1 नेम ए, मार्क्स मैंने लिया 100, देन रोल नंबर 2 बी, मार्क्स लिया 200, देन 3 सी 300, 4 डी 400, 5 ई 500। तो किसके मार्क्स सबसे ज्यादा है? ई जिसका नाम है। तो देखो ऑटोमेटिकली इसने फिल्टर किया और मैक्सिमम प्रिंट हुआ रोल नंबर 5, नेम ई और मार्क्स 500। ठीक है, अब इसको एक बार और रन करके देख लेते हैं कि अगर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम है तो क्या होता है। तो मैंने एक तो यहाँ पे 500 डाल दिया रोल नंबर 1 पे, फिर 2 बी 200, 3 सी 300, 4 डी 400, 5 ई 500। तो देखो 2 स्टूडेंट की डिटेल आ गई, रोल नंबर 1 के भी 500 है और रोल नंबर 5 के भी 500 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रोग्राम दोनों केसेस में प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आई होप कि अब आपको और चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे हम लॉजिक्स डेवलप कर सकते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम आइडेंटिफाई करना मैंने एरे वाले वीडियो में भी बताया था, तो जिन्होंने वो देखा होगा उनको ये लॉजिक और अच्छे समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो पूरी वीडियो सीरीज में 1D एरे का टॉपिक है, तो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसके थंबनेल पर ये भी बता रखा है कि किस वीडियो में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन है, तो बहुत ईजी वे में चीजें आपके सामने अवेलेबल है। तो आई होप कि आप सारी चीजें प्रॉपरली समझ पा रहे होंगे। तो अब अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, रीड इन्फॉर्मेशन ऑफ 5 एम्प्लॉयज एंड प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स। तो अब हमें एम्प्लॉय पे काम करना है, तो एम्प्लॉय बेसिकली जो भी जॉब करते हैं उनको एम्प्लॉय बोलते हैं, तो उनके डिपार्टमेंट्स चेक करना है, जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है उनकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी है। तो अब यहाँ पर हमें स्ट्रिंग कंपैरिजन का कुछ लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, तो इसको फटाफट से इंप्लीमेंट करते हैं। तो एम्प्लॉय एरे ऑफ स्ट्रक्चर, इसका नाम लिख दिया EMP, तो इंटीजर एम्प्लॉय ID, नेम और डिपार्टमेंट। ठीक है, अब डिपार्टमेंट कैरेक्टर एरे होगा तो आप कॉमा लगाकर यहीं लिख सकते हो। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स हैं उनका डेटा टाइप सेम होता है तो आप एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये अपना एरे बना, मैक्स की जरूरत नहीं है, लूप चलाना पड़ेगा। तो यहां पर हमने लिख दिया एंटर ID, नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ 5 एम्प्लॉयज। ठीक है, अब उनकी इंफॉर्मेशन को रीड करा लेते हैं। ये हो गया ID, नेम ई ऑफ I dot department, इस लूप की जरूरत नहीं है। तो अब हमें यहां पर लिखना है डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट इज सेल्स। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें स्ट्रिंग कंपैरिजन कराना है तो ये डबल इक्वल्स टू काम नहीं करता, ये सिर्फ नंबर्स को ही कंपेयर कर सकता है। तो उसके लिए मैंने स्ट्रिंग वाले वीडियो में आपको बताया था, जब हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, ये देखो स्ट्रिंग में आपको एक फंक्शन बताया था, प्रीडिफाइंड फंक्शन strcmp, और उसका हमने खुद से भी एक लूप लिखा था। बट अभी आप strcmp को डायरेक्टली यूज करेंगे फॉर स्ट्रिंग कंपैरिजन। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे strcmp then e of i और डिपार्टमेंट कॉमा डबल कोट्स में लिख दो सेल्स डबल इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो strcmp क्या करेगा, strcmp जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर डिपार्टमेंट की वैल्यू होगी उसको सेल्स से कंपेयर करेगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो 0 मतलब रिटर्न करेगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा, इट मींस ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, अदरवाइज फॉल्स। अब आप चाहते हैं कि सेल्स कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, मतलब किसी भी केस में लिखा हो फिर भी ये ट्रू होना चाहिए, तो आप strcmp की जगह क्या लिख सकते हो, strcmp i, तो वो केस इग्नोर कर देगा। तो अपन strcmp i ही यूज कर लेते हैं, देन यहां पर id प्रिंट हो जाएगी,
फिर हमें नेम प्रिंट कराना है तो eofi.name, और फिर हमें डिपार्टमेंट भी प्रिंट कराना है। वैसे तो डिपार्टमेंट प्रिंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि उनका डिपार्टमेंट सेल्स ही होगा, बट फिर भी शो कर देते हैं क्योंकि हम बाकी डिटेल भी शो करा रहे हैं तो वो भी डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहो तो उसको कमेंट कर सकते हो। हम सिर्फ आईडी और नेम प्रिंट करा देते हैं जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है। ठीक है, अब हमने ये प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया है तो हमें एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखो एम्प्लॉय आईडी 1, नेम ए, डिपार्टमेंट सेल्स 2, बी डिपार्टमेंट सेल्स सर्विस 3, सी। अब देखो यहां पे मैं सेल्स कैपिटल में लिख रहा हूं बट ये फिर भी प्रिंट करेगा। देन 4, डी मार्केटिंग 5, ई, और यहां पे पूरा स्मॉल में लिख रहा हूं सेल्स। ठीक है, तो अब देखो जिसकी आईडी 1 है वो प्रिंट होना चाहिए, 3 प्रिंट होना चाहिए और 5 प्रिंट होना चाहिए। देखो 1, 3, 5 उन्हीं एम्प्लॉयज की आईडी और नेम प्रिंट हुआ है जिनके डिपार्टमेंट सेल्स थे। अब वो अपर केस है लोअर केस है उससे कोई मैटर नहीं करता, बट वो सेल्स होना चाहिए। अब आपको अपर केस लोअर केस भी स्ट्रिक्टली फॉलो कराना है तो आप क्या करोगे, एस टी आर सी एम पी लिखोगे तो वो उसको फॉलो करेगा, और डिपार्टमेंट भी साथ में प्रिंट कराना है तो उसको अनकमेंट करके इसको भी एग्जीक्यूट करा सकते। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी स्ट्रिंग कंपेयर कराना है तो strcmp, और जब नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंपेयर कराना है तो डबल इक्वल्स टू। अब लास्ट टॉपिक बचता है नेस्टेड स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजी टॉपिक है तो इसको भी समझ लेते हैं। नेस्टेड स्ट्रक्चर हेडर फाइल की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं लेता हूँ स्टूडेंट का एग्जांपल, स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, देन स्टूडेंट नेम। अब हमें स्टूडेंट की कुछ डेट्स रीड करानी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ कॉलेज, डेट ऑफ लीविंग ऑफ कॉलेज, इस तरह से हमें डेट्स इनपुट करानी है। तो हर डेट में 3 एंटिटीज होती हैं, डे, मंथ और ईयर। ठीक है, हमें तीनों को रीड कराना है। तो अब देखो अगर डेट ऑफ बर्थ मुझे रीड कराना है तो मैं क्या लिखूंगा, इंट d1 m1 y1, तो इसमें डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब मुझे डेट ऑफ जॉइनिंग रीड कराना है तो मैं फिर से लिखूंगा d2 m2 y2। इट मींस मैं उन्हीं वेरिएबल्स को बार बार डिक्लेयर कर रहा हूँ, मतलब सेम वेरिएबल मुझे बार बार 3 बार डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो जब हमें ये कॉमन चीजें बार बार डिक्लेयर करनी पड़ रही है तो हम इनको बार बार ना लिख कर इनका भी एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब एक डेट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्टूडेंट स्ट्रक्चर में यूज करें। तो आपको डी एम और वाई एक ही बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, और अब आप यहां लिखोगे स्ट्रक्ट डेट डीओबी कॉमा डीओजे कॉमा डीओई। तो डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, डीओजे मतलब डेट ऑफ जॉइनिंग, एंड डीओई मतलब डेट ऑफ एग्जिट। तो देखो कितनी इजीली हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज किया। ये एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें 3 मेंबर हैं DMY, और उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हमने यहाँ दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर बना दिए। अब हमें क्या करना है, एक स्टूडेंट के ऊपर ही काम करना है, तो मैं इन सारी चीजों को तो इरेज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट S, ठीक है। अब देखते हैं कि S को मेमोरी कितनी एलोकेट होगी। तो मेमोरी अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 byte फॉर रोल नंबर, अगर 16-bit कंपाइलर है, प्लस नेम को 10 byte, प्लस अब डीओबी को मेमोरी एलोकेट होगी। तो डीओबी किस टाइप का है, डेट टाइप का। तो डेट टाइप का एक वेरिएबल बनाओगे तो उसको भी 3 मेंबर्स एलोकेट होंगे, 2 + 2 + 2 = 6। तो 6 मिला डीओबी को, 6 मिला डीओजे को और 6 मिला डीओई। तो टोटल कितना हुआ, 10 + 2 = 12 + 6 = 18 + 6 = 24 + 6 = 30। ठीक है, अगर 32-bit कंपाइलर है तो हर इंट में 2 और ऐड कर दो, उसके अकॉर्डिंग आपका मेमोरी आ जाएगा। ठीक है, इट मींस मेमोरी हर वेरिएबल को एलोकेट होगा जो कि इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के पार्ट है।
अब अगर हमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है तो वो कैसे करेंगे, तो हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर जीओबी, या फिर इसको इस तरीके से ना लिख के मैं आपको सीधा इनिशियलाइज करके बता देता हूँ, फिर आप उसको रीड प्रिंट अपने आप करिएगा। जैसे रोल नंबर हमें असाइन करना है तो आप क्या लिखोगे इस तरीके से, अगर आपको नेम असाइन करना है तो आप नेम में डायरेक्टली असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे, अपन को यूज करना पड़ेगा strcpy s dot name कॉमा संजय, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एनरोलमेंट आपको स्टोर करना है तो आप क्या लिखोगे s.dob.d, ठीक है। और यहां मैंने लिख दिया 10, फिर मंथ डालना है तो dob.m equals to 3, s.dob.y equals to 2020, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो डिटेल्स है वो एंटर करेंगे। अब आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंटर करानी है तो इन्हीं को कॉपी कर लो और फिर से 3 डेट्स आप मेंशन कर दो, फिर कॉपी करो पेस्ट कर दो। अब जहां भी डीओबी लिखा है वहां पर डीओजे कर दो और ये डीओई, ठीक है। और डेट की वैल्यू चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इनिशियलाइज किया। अब मैं आपको एक लाइन और बता देता हूँ कि स्कैनफ कैसे काम करेगा, उसको फिर मैं कमेंट कर दूंगा। तो स्कैनफ में क्या लिखोगे, 3 बार परसेंट डी, फिर एस डॉट डीओबी, सॉरी एम्परसेंट एस डॉट डीओबी डॉट डी कॉमा एम्परसेंट डी डॉट डीओबी डॉट एम कॉमा एम्परसेंट डी डॉट डीओबी डॉट वाई, ठीक है। तो नेस्टेड है, इट मींस डॉट दो बार लगेगा, पहले मेन वेरिएबल, फिर उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है और फिर उसका मेंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो स्कैनफ है वो लिखोगे। तो मैंने अभी स्कैनफ ना यूज करके डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया, बट आपको रोल नंबर और नेम तो रीड करना आता ही है, बहुत सारे एग्जांपल आप देख चुके हैं। तो आपको डेट ऑफ बर्थ रीड करना है तो ये लिखो, फिर इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देना, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट भी रीड कर लेगा। अब अगर इन्हें प्रिंट कराना है, अगर हमें स्क्रीन पर प्रिंट कराना है तो अब आपको प्रिंट एफ्स मेंशन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले लिख दो रोल नंबर इक्वल्स टू परसेंट डी एस डॉट रोल नंबर, तो ये नॉर्मल जैसे अपन हर बार करते हैं, ये नेम प्रिंट हो जाएगा। अब हमें डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करानी है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ प्रिंट कराने के लिए आप क्या लिखोगे, अब हमें डे मंथ और ईयर और आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना है तो आप क्या लिखो परसेंट डी और यहाँ लिख दो डीओबी या डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू, ठीक है। तो परसेंट डी तो रिप्लेस हो जाएगा और हाइफन प्रिंट हो जाएगा बीच में, देन एस डॉट डीओबी डॉट डे एस डॉट डीओबी डॉट एम कॉमा एस डॉट डीओबी डॉट वाई, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, दो बार पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ एग्जिट, ठीक है, डीओजे। एंड ये हो जाएगा डीओई, ठीक है। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर का बेनिफिट कब होगा, जब आपको कॉमन वैल्यूज को एक से ज्यादा बार यूज करना है। तो ये सब हमने प्रिंट करा दिया। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि आउटपुट आपके सामने एज इट इज आ जाएगा। इसके लिए हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा strcpy के लिए। तो स्ट्रिंग्स को कॉपी भी हम डायरेक्टली इक्वल्स टू से नहीं कर सकते, इसलिए मैंने strcpy यूज किया था। तो ये हेडर फाइल आ गया, एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे मैंने कॉमा के जगह डॉट यूज कर लिया। देखो छोटी छोटी एरर्स इजीली पकड़ लेता है कंपाइलर। ये देखो रोल नंबर 101, नेम संजय, डेट ऑफ बर्थ 10-3-2020, देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ एग्जिट। तो इस तरीके से जिस फॉर्मेट में आपको डेट प्रिंट करानी है वो उस फॉर्मेट पे प्रिंट हो जाएगी। और अभी हमें इनपुट नहीं करना पड़ा, मैंने जानबूझकर वैल्यूज इनिशियलाइज की, बट आपको बता दिया कि रीड कैसे होगा। तो ये आप खुद से ट्राई करो, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताया, हमने 3 प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए, नेस्टेड स्ट्रक्चर को भी मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बताया। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो पिछले वीडियो में हमने बेसिक कवर किया था और इस वीडियो में हमने उसका एडवांस पार्ट कवर किया। तो कोई भी डाउट हो तो ये डिटेल से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अब अगले वीडियो के अंदर आप जो टॉपिक देखेंगे वो होगा पॉइंटर। तो पॉइंटर के भी दो वीडियोज हैं, तो दोनों को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको चीजें प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो उसके बाद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम देखेंगे। तो पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करें ताकि आपको सी प्रोग्रामिंग के जो भी टॉपिक्स हैं वो प्रॉपरली समझ में आए। सो आई होप कि जितना भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।